तो हर महादेव दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। ये देख सकते हो आप इधर का मस्त व्यू। तो अभी हम द्रोटू में, अभी हम हनुमान शिला के लिए निकलेंगे, हर हर महादेव। ये इधर कैंपिंग साइड है कुप्ती वैली से द्रोटू। अभी इधर से आगे हम वो आगे की ओर निकलेंगे हनुमान शिला के लिए। तो हर हर महादेव जी, अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। आज का हमारा स्टे रहेगा हनुमान शिला। काफ़ी सुंदर ट्रैक है जी। अभी हम पीछे से बस हाइट पे चढ़ते आ रहे थे, अभी ये थोड़ा डाउन में ट्रैक आया है, ये कवर करेंगे। और आगे एक ग्लेशियर भी आने वाला है हनुमान शिला के बाद। ये देखो आगे का नज़ारा, हर हर महादेव। हाँ जी अरुण जी, आ रहा है खूब मज़ा। ओए इसको ऐसे रख दे नीचे। हाँ क्या बोले, हर हर महादेव। बट यार ट्रैक जो है ना, इतना खूबसूरत है ना, ये क्या ही बताऊं आपको। राय बोले गंगा धराय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः। जय बोले चलो बाबा। तो अभी हम ये नदी के किनारे पहुंचने वाले हैं, बस फिर अपना उधर से आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। चलो जी बोले। तो अभी मेरे साथी हैं ये अर्जुन जी और अरुण जी, बाकी दो हमारे साथी आगे निकल चुके हैं। जय बोले जय बोले। पानी भर लेंगे आगे। तो भाई साहब, ये अभी सावन का महीना खत्म हो गया है, बट सावन के महीने के बाद जो ब्यूटी है ना, वो देखो बस इन पहाड़ों में और कहीं नहीं है। जय शंकर। तो अभी हम नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हो आप। बस वो जो सामने दिख रहे हैं आपको यात्री, हम भी अपना ट्रैक इधर से तय करेंगे आगे का हनुमान शिला तक। बट आगे और ज़्यादा खतरनाक रास्ता आने वाला है। जय हर हर महादेव। अभी हम ये नदी क्रॉस करेंगे, वो जो सामने आपको लकड़ी का पुल दिख रहा है, इसको क्रॉस करेंगे और फिर हम जाएंगे दूसरी साइड से। जय शंकर। अभी हम सोच रहे हैं इधर मैगी बना लें, कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। जय हर हर महादेव। तो अभी हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, इधर हमने अपनी मैगी वगैरह खा के अभी हम हनुमान शिला की ओर निकल चुके हैं। ये देखिए बाबा लोग खाना बना रहे हैं इधर, हर हर महादेव। तो अभी हम हनुमान शिला से काफी पीछे हैं, ये जो आपको सामने पानी आता हो दिख रहा है, इधर से हम राइट साइड ऊपर जाएंगे। अभी हम इस लोकेशन पे पहुंचे हैं, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत जगह है। जय बोले बोले बाबा की नगरी है, फिर सुंदर नहीं होगी और क्या होगी। ये देखो भाई बहुत बढ़िया ट्रैक है भाई ये। तो हर हर महादेव दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हम कितने सुंदर रास्ते से गुजर रहे हैं। अभी बस हनुमान शिला पहुंचेंगे, एक पहाड़ और क्रॉस करेंगे, वो आगे देख सकते हो आप। देन उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे हनुमान शिला। तो अभी देख सकते हो आप, सुबह वेदर ख़राब था, थोड़ी बारिश हुई, बट अभी मौसम इतना क्लियर हो गया है कि हम हनुमान शिला तक जा सकते हैं आराम से। जय बोले हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये द्रोटू के बाद एक कैंपिंग साइट और आ चुकी है, ये देख सकते हो आप सामने जो है। तो अभी हम इधर पहुंचेंगे और फिर इसके बाद हम ऊपर की ओर जाएंगे हनुमान शिला के लिए। काफ़ी सुंदर रास्ता है ये, बस द्रोटू तक थोड़ी चढ़ाई है, उसके बाद द्रोटू से लेके ये जो सामने कैंपिंग दिख रही है, ये सिंपल रास्ता है।
तो हर हर महादेव। ये हनुमान शिला से ये पहला ग्लेशियर आ चुका है, इधर पहुंचेंगे फर्स्टली और फिर देखेंगे आगे कितना रहता है। ये देख सकते हो भाई, ऐसी कुछ कंडीशन हो गई है, ट्रैक करते करते पसीना छूट जाता है। रुक जाओ तो ठंड लगती है, बस चले रहना है। हर हर महादेव। पता नहीं कितनी किस्म के तो फूल हैं ये। ये रहा हमारा रास्ता, ये देखिए कितने सारे फूल लगे हैं, सुंदर ब्यूटी, वाह जी वाह। द्रोटू से आगे ये दूसरी कैंपिंग साइड आ चुकी है, ये देख सकते हो आप, ये सामने रही। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बट फिलहाल तो इस कैंपिंग साइट तक तो पहुंच ही जाएंगे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है पत्थरों वाला रास्ता, इसके बाद जो आगे पॉइंट आएगा वो हनुमान शील है। हर हर महादेव, पहुँचा दो जल्दी से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अभी हम इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, काफ़ी टॉप पे, ये देख सकते हो आप नीचे का नज़ारा। तो अभी ये भोलेनाथ जी का जो झंडा लगा है इससे ऊपर जाएंगे, मौसम ख़राब होने की फुल चांसेस हैं। जल्दी से पहुंचेंगे ऊपर और फिर उतरेंगे डाउन। तो अभी हम ये पानी क्रॉस करेंगे और फिर ऊपर पहुंचेंगे हाइट पे, और देन उसके बाद फिर से डाउन में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये पानी क्रॉस करते हैं। जय बोले हर हर महादेव। तो भाई साहब अभी बारिश पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ जाएगी, मैं जल्दी से कवर करके ऊपर टॉप पे पहुंचूंगा और देखता हूँ आगे रेनकोट डाल लूँगा अगर ज़्यादा बारिश पड़ गई तो। तो दोस्तों अभी बारिश गिरना स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो आप, मौसम ख़राब हो चुका है। बट हमें हनुमान शिला पहुँचना जैसे तैसे करके, उधर हमें टेंट लगाने की जगह मिलेगी। अभी जल्दी से कवर करके पहुँचते हैं आगे। जय बोले हर हर महादेव। ये देखो इधर पत्थर पर लिखा हुआ है धाम गोड़ी। तो अभी हम इधर से आगे निकलेंगे, बारिश भी गिर रही है थोड़ी थोड़ी, अभी मैंने रेनकोट नहीं पहने, बट देखता हूँ जहाँ थोड़ी तेज़ हो जाएगी तो मैं रेनकोट पहन लूँगा। जय बोले जी हर हर महादेव। बारिश थोड़ी तेज़ हो चुकी है, बट हम भी हनुमान शिला जी के पास पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हो आप, ये रही सामने हनुमान शिला। जय श्री राम। मेरे साथ के सारे पीछे हैं, मैं अकेला ही थोड़ा जल्दी आ गया था कि मैंने सामान वगैरह कैरी किया था कि गीला हो जाएगा, आगे सेफली हनुमान शिला तक पहुंचना था मुझे जल्दी से। जल्दी के चक्कर में मैंने रेनकोट भी नहीं पहना, मैंने सोचा जितना टाइम रेनकोट पहनने में निकालने में लगेगा उतनी देर में पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। तो हर हर महादेव, ढाई बज रहे हैं, मैं हनुमान शिला पहुँच चुका हूँ, बारिश भी काफ़ी तेज हो चुकी है। ये देखो ये रहे सामने हनुमान शिला। जय श्री राम हर हर महादेव। तो ये देखिए ये रही सामने हनुमान शिला। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, तो मैं इन भैया की कैंपिंग में रुकूंगा और अपने साथ वालों का वेट करूंगा। मौसम ख़राब हो गया बट मैं टाइम से पहुंच गया, मेरे साथ के पता नहीं कब पहुंचेंगे। जय श्री राम हर हर महादेव। ये देखिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय श्री राम। तो फाइनली हम हनुमान शिला पहुंच चुके हैं, वो पीछे कैंपिंग में मैंने अपना बैग वगैरह रखा है। तो अभी मैं इधर हनुमान जी के दर्शन करने आया हूं और फिर निकलूंगा वापस। जय श्री राम। तो चार बज चुके हैं हनुमान शिला में, आज टेंट लगा दिया, आज का स्टे हमारा इधर रहेगा। जिस हिसाब से पहले मौसम ख़राब हुआ था बट अभी क्लियर हो गया, बस धुंध है। बस अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, अपने जो कपड़े वगैरह गीले हैं उनको सुखाते हैं। जय बोले, मिलते हैं फिर सुबह मॉर्निंग में।